और आज इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन अ होम डेकोर हॉल, और वो भी मैंने अमेजोन से सारे आइटम्स खरीदे हैं और जितना भी रेंजेस है वो अंडर 400 रुपीज में लाए करते हैं जितने भी आइटम्स हैं। तो ये आप लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है क्योंकि 400 रुपीज इज अ वेरी अफोर्डेबल रेंज, और आप लोग जानते हैं कि मैं हमेशा अफोर्डेबल आइटम्स लेके हॉल के सारे आप लोगों के पास आती हूँ ताकि आप लोग भी इजीली परचेज कर सके। अगर आपको जानना है कि मैंने क्या क्या खरीदा है तो प्लीज इस वीडियो को पूरा देखें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, शेयर करें और इस वीडियो को लाइक जरूर करें। सो द वेरी फर्स्ट आइटम इज दिस मिनिसो इंजेक्ट सीरीज सेंट कैंडल, और ये फ्लेवर है वनीला और ये मिनिसो का है। सो जो ये कैंडल है ये मुझे पड़ी है 190 रुपीज की, मतलब जितनी भी इसकी कैंडल्स हैं वो आई थिंक 200 के रेंजेस में है, और थोड़ा सा अगर आप रेंज जाए तो वो 300 के अंदर लाए कर जाती हैं। और ये है ब्लू कलर की बहुत प्यारी सी ग्लास में, और इसका फ्लेवर वनीला, फ्रूटी वनीला टाइप्स है। और अभी मैंने इसे जला के नहीं देखा, देख सकते हैं आप ब्रांड न्यू है, क्योंकि मन नहीं कर रहा, नई नई चीज़ें यू नो पहले संभालना होता है। तो मैंने अभी इसे जला के नहीं देखा कि जलाने के बाद इसका फ्रेग्रेंस कितना काम करता है कि नहीं, ऑल दो वैसे तो बहुत ही स्ट्रांग फ्लेवर आ रहा है तो आई गेस इट विल वर्क आउट वेन एवर आई लिट दिस अप। सो माई सेकेंड आइटम इज फेल, ओके। सो माई सेकेंड आइटम इज दिस, आई होप यू आर एबल टू सी, और ये बहुत ही सुंदर तीन डिफरेंट शेड्स, मतलब तीन शेड्स ऑफ ब्लू में, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारा लग रहा था। इसे मैंने दैट क्वर्की मिस के पास भी देखा था तो मैंने उन्हीं का देख के इसे परचेज किया है, मतलब उनसे इन्फ्लुएंस्ड होकर परचेज किया है क्योंकि उनके बैकग्राउंड में मुझे बहुत ही ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो आई थॉट वाई नॉट टू बाय दिस, क्योंकि ये घर को बहुत ही प्यारा और एस्थेटिक लुक देगा। सो या दिस इज द सेकेंड आइटम एंड आई एम वेरी इन लव विद दिस। सो जो इसका प्राइस है वो है 361, एंड 361 में इट इज़ अ वेरी गुड deal and it will give you a very very expensive rich look. Now my third item is this is a folding table, और ये आप इसको ऐसे खोले, इसे press करें और ये ऐसे table बन जाएगी, और ये काफी mini table है तो ये again as a मतलब side table के हिसाब से अगर मैं कहूँ तो इसकी length बहुत ही ज्यादा कम है, लेकिन अगर जैसे आप लोगों का जो master bedroom है वो नीचे floor पे है, जो आपका bed नीचे अगर नीचे लगा हुआ है तो उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है। अदरवाइज अगर आप YouTube backdrop या फिर किसी भी चीज़ की वीडियो के लिए backdrop के लिए सोच रहे हैं तो ये बहुत ही अच्छी टेबल है, इसके ऊपर आप कैंडल और जो मिनी मिनी प्लांट्स होते हैं एस्थेटिक लुक देगा, दैट्स वाई आई गॉट दिस। और बहुत टाइम से मुझे इच्छा थी एक छोटी सी टेबल खरीदने की, सो इट इज़ अ वेरी हेल्पफुल थिंग, और ये बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। और जो ये पड़ी है मुझे वो ये मुझे पड़ी है 338 रुपीज़ की, सो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड डील टू ग्रैब, एंड मतलब फ्रेंडली है, स्पेशियस है, अगर आपको अगर नहीं इसे रखना है मतलब इसे हटाना है तो आप ऑब्वियसली इसे ऐसे फोल्ड करके कहीं पर भी रख सकते हैं, ऐसे हैंडल कर सकते हैं। सो या दिस इज़ अ वेरी क्यूट मिनी ब्यूटिफुल फोल्डिंग टेबल। सो द नेक्स्ट आइटम इज वेरी बेसिक आइटम है, ये मेरे YouTube बैकड्रॉप के लिए नहीं है लेकिन ये ट्रैवलिंग पर्पज पे है, और अभी वर्क फ्रॉम होम चल रहा है तो पता नहीं क्यों जब मैं ट्रैवलिंग कर रही थी शिलोंग एंड गुवाहाटी के लिए, बाय द वे अगर आपने व्लॉग्स नहीं देखे तो ऑलरेडी सारे चैनल पे डल चुके हैं, मेरे 6 व्लॉग्स हैं, प्लीज जाके जरूर देखिएगा, और मैं उनकी सीरीज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन कर दूंगी तो वो डायरेक्ट आपको वहीं पे ले जाएगी। और मैं जब प्लेन से ट्रैवल कर रही थी तो आई फेल्ट लाइक आई वॉज हैविंग अ लॉट ऑफ पेन ऑन द बैक एंड ऑफ माई नेक, और मुझे ऐसा फील हो रहा था कि देयर माइट बी अ चांसेस कि स्पॉन्डिलाइटिस ना हो जाए, क्योंकि मेरे को बहुत ही ज्यादा पेन हो रहा था, मेरे गैप बहुत ज्यादा बन रहा था, इस वजह से मैंने सोचा दिस टाइम I will get this pillow. It is a very helpful one. आप अगर आप जर्नी में है तो ये बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है, बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट है, तो यू कैन वेयर इट लाइक दिस, और इफ यू वॉन्ट टू सिक्योर इट तो इधर ऐसे बटन भी है जो मेरे बालों से छुप रहे हैं जैसे आप देख सकते हैं, और मैं बहुत ज़्यादा फनी लग रही हूँ, आप इसे यहाँ से सिक्योर कर सकते हैं और इसे आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये मैंने अपने वर्क फ्रॉम होम के लिए जब मैं 9-9 घंटे बैठ के काम करती हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, सो आई गॉट दिस 309 रुपीज़, ये 309 का पड़ा है, जिसके साथ मुझे एक स्लीपिंग मास्क भी मिला है तो ऑब्वियसली इट इज़ अ। मेरा नेक्स्ट आइटम है ये मेकअप हेयर बैंड, जब मतलब मेकअप करने के वक्त ना मेरे मुंह पे बहुत ज़्यादा बाल आते हैं जो कि मुझे बहुत पसंद नहीं है, तो इसलिए मैंने ये खरीदा, और ये मुझे पड़ा है 199 रुपीज़ का। आई नो इट इज़ क्वाइट एक्सपेंसिव सरोजनी जाएंगे तो ऑब्वियसली यू विल गेट दिस इन
80 or 100 रुपीज, बट आई रियली नीडेड दिस, दैट्स वाई मैंने ये खरीद लिया अमेजोन से. और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट और फ्लफी है, और ये बहुत ही ज़्यादा. नाउ द थर्ड लास्ट आइटम इज फॉर द यूट्यूब बैकग्राउंड अगेन, और ये है ये आर्टिफिशियल प्लांट्स. और आर्टिफिशियल इसे वो क्या कहेंगे, वो जो ऐसी लड़ी आती है ना, क्या कहते हैं, मिस कर रही हूँ मैं वर्ड, बट आप समझ गए. लेकिन जैसे पीछे बैकड्रॉप पे अगर आप इसे डालें वाइट एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन देके, तो ये बहुत ही ज़्यादा मतलब क्लासी और बहुत ही ज़्यादा एस्थेटिक लुक देता है, तो इस वजह से मैंने खरीद लिया. ये 6 का पीस है, मतलब 6 पीसेज हैं, 6 इंडिविजुअल स्ट्रिंग्स हैं, और ये मुझे पड़ी है 399 रुपीज़ की. और भी 4 कॉम्बोज थे, मतलब 4 पीस मिल रहे थे, तो वो थोड़े एक्सपेंसिव पड़ रहे थे, इसलिए मैंने ऐसे देखा कि जो मुझे ज़्यादा सही लगा वो था ये 400 रुपये में. तो दैट वॉज ए ग्रेट. ओके, तो जो लास्ट 2 आइटम है बेसिकली वो है मेरे मेकअप के आइटम. तो पहला आइटम है ये नॉन ट्रांसफर लिपस्टिक, और ये लिपस्टिक है इनसाइट की, और ये है जो मैंने अभी वेयर कर रखी है. ये थोड़ी सी ना मेहरूमिश रेडिश टोन में है, और बहुत ही प्यारा शेड है. ये लिपस्टिक का जो प्राइस है वो सिर्फ और सिर्फ 81 रुपीज़ है. सो या दिस इज़ अ वेरी अफोर्डेबल प्राइस, और इजीली आप लोग खरीद सकते हैं इसे, क्योंकि 81 रुपीज़ इज़ ए गुड डील टू ग्रैब. तो ये लिपस्टिक ऑब्वियसली आप देख सकते हैं 81 की है, लेकिन ये बिल्कुल भी स्मज नहीं हो रही है. मैं उसे कितना ज़्यादा हार्डली स्मज कर रही हूँ, बिल्कुल स्मज नहीं हो रही. तो 81 रुपीज़ में काफ़ी सारे शेड हैं अमेजोन में, मैं लिंक नीचे दे दूँगी, आप जाके चेक कर सकते हैं. तो अगर ये इतना अफोर्डेबल रेंज में अगर इतनी अच्छी है, तो आपको ज़रूर खरीद लेना चाहिए. सो दिस इज़ द लास्ट आइटम आई गॉट फॉर माई सेल्फ, और ये है आईब्राउ पेंसिल 2-in-1. आईब्राउ पेंसिल 2-in-1 है कि इसके जो बैक एंड है उस तरफ पुली है, और इस तरफ पेंसिल है, ब्लैक कलर में है, ये शेड ब्लैक है, और ये ना ट्रायंगल है. और मैंने इसको थोड़ा सा काट दिया है, लेकिन ये ट्रायंगल में है. इसका जो एजेस है आप उससे बनाए, तो ईजीली आपको ना ये बहुत ही अच्छे स्ट्रोक्स देता है, और नेचुरल लुक लाने में बहुत ज़्यादा मदद करता है. क्योंकि अगर जैसे ब्रश व्रश होता है तो वो बहुत ज़्यादा स्मज हो जाता है, तो वो लगता भी है कि बनावटी है. इससे क्या है कि आप इजीली बहुत ही शार्प लाइंस खींच सकते हैं, जो एज अ हेयर रेप्लिकेंट दिखती है. सो या दैट्स व्हाई आई गॉट दिस, और इसका प्राइस है 189. तो 189 इज ऑल्सो अ गुड. सो दीज आर द ऑल आइटम्स जो मैंने अमेजोन से खरीदे हैं. कुछ मेरे मेकअप के हैं, कुछ होम डेकोर के हैं, एंड आई होप ये आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहे होंगे. और अगर आपको कुछ आइटम्स पसंद आए होंगे, तो मेरे नीचे लिंक्स मैंने सारी मेंशन कर दिया, जो कि सीधे आपको आइटम्स के पास लेके जाएंगे, आपको कोई ढूंढने या तामझाम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. तो या अगर आपको पसंद आया, तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, वहाँ पर मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज की भी लिंक्स है. तो अगर आपको वो भी जानना है, वो भी गो थ्रू करना है, तो वो भी देख सकते हैं. और अगर पसंद आए तो प्लीज फॉलो कर सकते हैं. सो या आई होप ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगी. मैं मिलूंगी आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे.